हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह और आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत है। तो साथियों, DSSB की तरफ से एक नोटिस आया है। क्या है उस नोटिस में, देखते रहिए। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी। तो साथियों, क्या नोटिस है एक बार आप देख लीजिए। तो ये नोटिस कल आया था 9/1/2019 को। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है कि फाइनल आंसर की फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, पोस्ट कोड, जो पोस्ट कोड है 90/17 है। इसके बाद जो एग्जाम हुआ था, कब हुआ था, 16/9/2018 को। तो साथियों, मैं आपको हिंदी में बता देता हूं सिंपल कि जो 90/17 जो पोस्ट कोड है फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिनका एग्जाम 16/9/2018 को हुआ था, उनकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, नाउ इट इज नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द ऑब्जेक्टिव्स फाइल्ड थ्रू ई चैलेंज मॉड्यूल हैव बीन कंसिडर्ड एंड चेंजेस हैव बीन मेड इन द आंसर की वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्शन दिए थे बच्चों ने, वो देख लिए गए हैं, कंसिडर कर लिए गए हैं। इसके बाद जो चेंजेस करने थे वो कर लिए गए हैं जहां पे भी जरूरत थी। इसके बाद फोर पॉइंट है, इसमें क्या है, फाइनल आंसर की आर नाउ अवेलेबल फॉर व्यूइंग इन द ई चैलेंज मॉड्यूल, दीज आंसर कीज आर नाउ फाइनल एंड विल रिमेन अनचेंज्ड फॉर द सैड पोस्ट, नो फर्दर करेस्पोंडेंस शैल बी एंटरटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द आंसर कीज। इसमें क्या है कि जो ये आंसर कीज है ये चेंज नहीं होगी, मतलब विल रिमेन अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होंगी, और जो पोस्ट कोड है इसके लिए सेम रहेंगे। अब जो DSSB ने चेंज किए हैं वो अब चेंज नहीं होंगे बाद में, ये DSSB का फाइनल वो है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी साथी PH फिजिकल एजुकेशन वाला है तो वो चेक कर ले, और ये फाइनल आंसर की है, अपने आंसर मैच कर ले। अगर आपके नंबर एक दो कम बैठ रहे हैं कहीं पे, तो देख लीजिए कि कितने आपके बढ़े हैं नंबर। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। Thank you.